6 गांवों में मतदान का बहिष्कार किया गया है। रेलवे अंडरपास ना बनने से नाराजगी देखी गई है। हासपुर, पिपरीडी, नई बस्ती में चुनाव का बहिष्कार किया गया। बुलवरिया, मड़िया गांव में चुनाव का बहिष्कार किया गया है। बूथ 34-35 पर अब तक एक भी वोट नहीं पड़ा है, तो लोगों में नाराजगी भी है। विकास के कामों को लेकर लोग काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसी कुछ तस्वीरें पहले भी कई चरण में देखी गई, लेकिन न्यूज 18 आपसे लगातार यही अपील कर रहा है कि अगर आप में नाराजगी भी है तब भी आप मतदान करें। ये कुछ जगह के नाम हम आपको बता रहे हैं जहां पर मतदान का बहिष्कार हो रहा है। मऊ के 6 गांव हैं जहां पर लोग वोटकास्ट करने के लिए अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो से, उनका रुख करेंगे और साथ ही पैनल भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, उनके पास भी चलेंगे। तो गोरखपुर से राम गोपाल हमारे साथ में है, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी है और गाजीपुर से मनीष मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, गाजीपुर में तस्वीरें आप दिखाइए, लोगों में कितना उत्साह है, क्या लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने पहुंच रहे हैं? हाँ, देखिए आपको बता दें कि गाजीपुर में सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है और गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के 2038 पोलिंग बूथों पर लोग सुबह 7 बजे से मतदान कर रहे हैं। इस समय हम नवापुरा प्राथमिक विद्यालय के पोलिंग सेंटर पर खड़े हैं जहां पर लोग आ रहे हैं। आपको दिखा सकते हैं कि कुछ लोगों की वो लाइनें लगी हुई हैं जो वोट डालने के लिए खड़े हैं। साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं कि लोग वोट डालने के बाद सेल्फी पॉइंट पर अपनी अपनी तस्वीरें भी ले रहे हैं। मतलब वोट डालने के बाद लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग वोट डालने के लिए इंतजार में लगे हैं और कुछ लोग अंदर जा रहे हैं। आप तो तस्वीरें हम आपको गाजीपुर से दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब चलिए वाराणसी आपको लेकर चलते हैं। वाराणसी वीवीआईपी सीट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनावी मैदान में हैं। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। उपेंद्र, तस्वीरें आप दिखाइए क्योंकि बनारस की एक एक तस्वीर अपने आप में बेहद खास होती है। कितना उत्साह है लोगों में? देखिए, उत्साह की बात करें तो सुबह 7 बजे से ही कतारबद्ध लोग पहुंचे हैं और आप ये देखिए हर उम्र के लोग पहुंच रहे हैं और कुछ ऐसी ये तस्वीरें हैं, जैसे चाची हैं, इनकी तस्वीर है जो प्रेरित करती है उन लोगों को जो अब तक मतदान के लिए निकली। चाची, वोट डालन आल हुआ? डाल देली वोट? हाँ, डाल देली। डाल देली, दिखावा जरा, उंगली दिखा दा। देखिए व्हील चेयर पे पहुंची है चाची। क्या उम्र होगी इनकी? क्या उम्र है आपकी? 85 है और ये वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। देखिए तमाम सारे लोग, आप लोगों ने वोट कास्ट कर दिया? हाँ। और यहाँ पर खुद वाराणसी के प्रथम नागरिक यानी के मेयर अशोक तिवारी भी यहाँ पर हैं और ये देखिए यहाँ पर अशोक तिवारी जी भी हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं यहाँ पर अशोक जी से। किन मुद्दों पे अशोक जी, किन मुद्दों पर ये देखिए पहले मैं कहूँगा वोट की वो दिखा दें जिसे उन्होंने वोट डाला है, तो उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। और यहाँ पर तमाम सारी जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आप ये देखिए कितने कतारबद्ध लोग हैं। और हम बात कर लेते हैं हमारे साथ मेयर अशोक तिवारी जी। अशोक जी, आपने वोट डाल दिया, प्रथम नागरिक हैं वाराणसी के, किन मुद्दों पर वोट किया है? देखिए बनारस में दिखा दूं, देखना ये प्रथम नागरिक की उंगली पर लगी स्याही की निशान है, क्या किन मुद्दों पर वोट किया है? देखिए बनारस में कोई मुद्दा नहीं है, बनारस में कोई कई मुद्दा है, नरेंद्र मोदी और विकास, और कोई तीसरा मुद्दा नहीं है। पूरा काशी बम बम बोल रही है, मोदी मोदी बोल रही है। मोदी जी वहाँ साधना कर रहे हैं, विपक्ष वहाँ पढ़ाने, क्या कहेंगे आप? देखिए आपको पता होगा 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी वोट की बात से गए थे, 2019 में भी गए थे और आज 2024 में भी चुनाव प्रचार के बाद आप कर रहे हैं, तो ये सनातन विरोधी लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये भी जाए के करिए तो अभी बैंकॉक भाग जाएंगे। अच्छा। इनके जो नेता अभी तो बैंकॉक भाग जाएंगे, कोई विदेश चला जाएगा। जी जी, ये सुबह से मैं देख रहा हूँ कतारें देखिए लगी है, क्या लग रहा है कि मौसम को देखते हुए सुबह 10-11 बजे तक मोस्टली लोग अपना वोट कास्ट करना चाह रहे हैं? देखिए लोग वोट देना चाहते हैं, मुझे लगता है 6:30 बजे से लाइन लगा हुआ है। जी जी। और हर आदमी अपना मताधिकार का, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा उत्सव है वोटिंग, उसको करने के लिए इस बार तत्पर है। जी जी। और काशी इस बार देखिएगा रिकॉर्ड। आप कई मंत्री कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री की साधना है कि देखिए मौसम का जो रुख है वो थोड़ा नरम हो गया है। इसमें तो कहीं कोई सच नहीं, आपको नहीं लग रहा है? जी, ये मोदी जी का सब दिन है, साधना इसी वजह से मौसम थोड़ा एकदम। तो क्या लग रहा है ये वाराणसी में क्या रहेगा, देश प्रदेश में क्या रहेगा और देश में?
देखिए, हमने कहा ना विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो बनारस में आप लोगों का जो नारा है 10 लाख पार, हमें लगता है उससे अधिक हम जाएंगे। 10 लाख से भी ज्यादा जो मतदान का जो चल रहा है ना ट्रेंड, उससे अधिक हम जाएंगे, उससे जाएंगे। और देश में, देश में तो कुछ कहना ही नहीं है भाई, 400 पार का हमारे मोदी जी का नारा है। तो ये थे वाराणसी में मेयर अशोक तिवारी, जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। यहाँ पर आप ये देखिए कतारबद्ध जो लोग हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। बाबू जी से बात कर लेते हैं। बाबू जी क्या नाम है आपका? गोपाल जी राय। बाबू जी किन मुद्दों वोट करने पहुँचे हैं? भाई जनता को जो जरूरत है, प्राथमिक जरूरतें हैं वो उनको मिलनी चाहिए। सड़क है मिल रहा चाहिए, जो रोजगार है मिलना चाहिए, महंगाई से कम हो, यही सब चाहते रहते हैं, और क्या करेंगे। आप यूथ है, किन मुद्दों वोट करने पहुंचे हैं? सर हम तो देख रहे हैं भाई, तो बनारस में जो डेवलपमेंट हो रहा है हम तो उस कैंडिडेट को देंगे जो भाई बनारस के लिए बढ़िया करे। देश विदेश में तो बढ़िया हो ही रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हम जहाँ रहते हैं वहाँ बढ़िया चीजें बढ़िया हो। तो देखिए यहाँ पर मैं जो है मेयर मेयर हैं, उनकी माता जी को मैंने दिखाया कि उनकी मेयर अशोक तिवारी की माता जी थी, जिन्होंने 85 ईयर्स में अपना वोट किया है, व्हीलचेयर से पहुंची हैं। और मैं उनसे परिवार के लोगों से बात कर लेता हूँ। मैडम आप लोगों ने वोट कास्ट कर दिया है अपना जी, तो क्या कहें, किन मुद्दों में वोट किया है आपने? विकास के मुद्दे पर जी। हाँ तो मौसम देखिए नर्म हो गया है, लोग एक बड़ी खबर मिल रही है, बनारस में अजय राय ने वोट डाला है, बूथ नंबर 75 पर मतदान किया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट है और बनारस से और वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। कुछ ही देर में आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, बूथ नंबर 75 पर मतदान करने के लिए पहुंचे। ये देखिए तस्वीर आप देखिए, कतार में लगकर अजय राय ने मतदान किया और साथ ही इससे पहले भी वो कांग्रेस की जीत का दावा करते रहे हैं, कुछ ऐसी ही बातें वो करते हुए नजर आए। और देखिए उंगली पर लगी स्याही लोगों को दिखाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से मतदान करने की उन्होंने अपील की है कि। और उपेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उपेंद्र तस्वीरें हम देख रहे हैं, अजय राय ने तो मतदान कर दिया है और हालांकि जनता की राय हम लगातार लेते रहे हैं, बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है, ऐसे में क्या कुछ पत्रकारों से भी बातचीत करते हुए उन्होंने कुछ बातें कही हैं? क्योंकि हमेशा वो कहते रहे कि बनारस का विकास तो सिर्फ कागजों में हुआ है। बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा है और जो स्थानीय है वो हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने पक्ष में बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस बार बनारस का जो असली बेटा है वो चुनाव मैदान में हो, जनता ये समझ रही है, इस बार के परिणाम बदलने वाले हैं। फिलहाल उन्होंने इस तरीके के राजनीतिक दावे किए हैं, अब ये तो परिणाम बताएगा 4 जून का। लेकिन फिलहाल जो आप स्थिति देख रहे हैं वो लोग लगातार जो बात कह रहे हैं वो कुछ और इशारा कर रही है। लोग कह रहे हैं कि जो विकास हुआ है हम विकास पर वोट कर रहे हैं, तो अब इसका इशारा समझा सकता है। फिलहाल हम किसी भी तरीके से नाम नहीं लेना चाहते। संक्षिप्त में आप बता दीजिए, क्योंकि हमेशा जब लोगों से बातचीत होती है तो हम उनसे मुद्दे जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन बनारस एक ऐसी सीट है जहां पर मुद्दों से ऊपर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। ऐसे में लोग जब मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, मुद्दों के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं या फिर इतना काफी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए बहुत सारे लोग तो सीधे नाम लेके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर लड़ रहे हैं तो यहां पर हार जीत की बात ही नहीं है, यहां सवाल कितनी बड़ी लीड का है। हम खुद ही बात कर लेते हैं, मुद्दा क्या है यहां पर आपकी हार या जीत का, या पिछली बार की जो 4.5 लाख की लीड थी उसको बढ़ाने का, किन मुद्दों पर आप लोग वोट कर रहे हैं? जो पिछली बार का मुद्दा है, जो चुनाव का जो जीत था उससे इस बार भारी से भारी और ज्यादा मतों से। तो मतलब कहने का मतलब प्रधानमंत्री का नाम बड़ा है आप लोगों के लिए? हाँ नाम भी बड़ा, उनका काम भी बड़ा है। अच्छा तो हम एक बार सीधे मेयर अशोक तिवारी से ही पूछ लेते हैं, इस बार क्या है, आप लोग जीत के लिए संघर्ष कर रहे हैं या लीड बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? देखिए जीत में तो कहीं कोई संशय ही नहीं है जी जी। ये लीड काशी की जनता माने प्रधानमंत्री जी कितना देगी इसी पर टोटल लड़ाई चल रही है, इसी पर टोटल लड़ाई चल रही है। तो कुछ चाची क्या क्या वोट दे ली? अभी देने जा रहे हैं। तो आप ये बताइए मैडम कि आप वोट देने जा रहे हैं किन मुद्दों पे? जी विकास आपको लगता है हुआ है और विकास के नरेंद्र मोदी का नाम बड़ा है या मुद्दे बड़े हैं? नरेंद्र मोदी। ठीक है उपेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। अब कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं, राजेश चौधरी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही अशोक यादव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, और प्रभात त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं,
वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत राजेश जी मैं आप ही के साथ में करूंगी। पिछले अगर 2019 की बात कर ली जाए तो 13 सीटों में से 11 सीटों जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाए। देखिए हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं, दो महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम। तो कंगना रनौत को आप सुन रहे थे जो कि मंडी से चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी की टिकट पर। अब चलिए राजेश चौधरी जी वापस से मैं आप ही के पास में आऊंगी। सवाल मेरा वही कि पिछली बार 13 में से 11 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, इस बार कितनी सीटें बीजेपी जीतने जा रही है, एनडीए जीतने जा रही है और जीत का आधार क्या होगा ये भी बताइए। देखिए पिछली बार 13 में से 11 सीट हमने 2019 में जीती थी, इस बार 13 की 13 सीट जीतने का लक्ष्य हमने रखा है और निश्चित रूप से हम जीतेंगे। जनता ये जानती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं तीसरी बार, और आज देश की जो स्थिति है, जिस तरह से देश की पूरे दुनिया के अंदर धाक बढ़ी है, सरकारी जो योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंची हैं, गरीब की अनेक योजनाएं गरीब के कल्याण की वो लागू हुई हैं, 0% टॉलरेंस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, समाज का जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है उसको ध्यान में रख करके किसी सरकार ने आजादी के बाद अब योजना बना करके काम करना शुरू किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया 2014 में, और 2014 से 2019 और 2019 से 2024 लोगों ने परिणाम देखा है, सरकार की डिलीवरी देखी है, सरकार कैसे काम कर रही है ये देखा है। विकास की आप बात कर रहे हैं, हर एक चरण में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लोगों ने मतदान नहीं किया है, मतदान का बहिष्कार किया है, वो भी सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का शासन इस देश में रहा, उन्होंने कभी विकास की तरफ ध्यान दिया नहीं। अब धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आज इस स्थिति में देश आया है कि लोग नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर भरोसा करते हैं कि ईमानदारी के साथ सरकार काम कर रही है, किसी मंत्री पर कोई उंगली, आज घोटाले नहीं होते हैं, वो घोटालों की वजह से ही देश तरक्की नहीं कर पाता था, कांग्रेस ही तो सारे पैसे को खा जाते थे, यही सब समस्याएं हैं, उनमें कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जहां लोग बहिष्कार कर रहे होंगे। 10 साल हो गए ना, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में भी अगर राज्य की बात कर ली जाए तो वहां पर भी बीजेपी की सरकार है, अगर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाई हैं तो फिर सवाल तो उठेंगे ना, आप फिर कांग्रेस पर इसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास में, अशोक यादव जी का रुख कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। सर बीजेपी कह रही है कि 13 की 13 सीटें जीतेंगे, सपा का क्या टारगेट है इस पर? देखिए समाजवादी पार्टी का यही मानना है कि उत्तर प्रदेश में 80 हराओ भाजपा हटाओ, इसी नारे को चरितार्थ कर रहा है, इसी नारे को लेकर के आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश का युवा, वह 60 लाख युवा जिसके पेपर लीक करवाए गए, वो अग्निवीर के दंश झेल रहा युवा जिसके भविष्य को अंधकारमय किया इस भाजपा की सरकार ने, और उन किसान भाइयों ने जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने काम किए इन लोगों ने, और महंगाई बेरोजगारी के दंश झेल रही जनता, सभी लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 हराओ भाजपा हटाओ और सारी दुश्मनियों से निजात पा जाओ। रह गई बात आपने जो इसके पहले जो आपने सवाल किया है, आप देखेंगे कि कोई ऐसा चरण नहीं होगा जो 7वां चरण आज चल रहा है, हर चरण में तमाशेबाज राजा ने नए नए तमाशे खड़े किए। आप देखेंगे कि उस कहानी शुरू हुई थी कि आपकी संपत्ति को माइनॉरिटी में बांट देगी इंडिया गठबंधन, फिर मामला मंगलसूत्र पे आया, फिर मामला मुजरा पे आया, फिर मामला मीडिया अटेंशन पे आया, और बीच में मीट और क्या क्या मामला हुआ, लेकिन जनता अभी भी अड़ी हुई है कि हम निश्चित रूप से बिल्कुल लोकल फॉर वोकल, लोकल को ही लोग महत्व देंगे, जो अपनी गलियों को नहीं जानेगा, जो अपनी मिट्टी को नहीं जानेगा, और जो माँ गंगा के दिखावटी पुत्र है और समुद्र के किनारे जाकर तपस्या करेगा, तपस्या करना है तो गंगा किनारे करो ना, खटाखट खटाखट टूट पड़ रहा है। उसके बाद मैंने कहा कि 4 तारीख को खटाखट जहाँ गिनती हुई उसके बाद
पांच तारीख से फटाफट 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 शुरू हो जाएगा काम। बिल्कुल हम प्रयास, हम जितनी भी हमारी ताकत है, बेरोजगारी महंगाई सारी चीजों पर दिन रात हम लोग काम करें, फटाफट फटाफट शुरू, खटाखट तो उठ डालेंगे फिर फटाफट शुरू हो जाएगा फटाफट फटाफट। जिसे 10 साल से देख के आ रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ी हुई है और जितनी मेड भी है और महिलाएं जिसे बात भी होती है बहुत परेशान है, सबका बजट खराब हो गया है, युवक बहुत परेशान है, नौकरी मिल नहीं रही है, ग्रेजुएट होकर बैठे हुए हैं कहते हैं कि पकौड़ा तने और चाय की दुकान खोलें, ऐसा नहीं ना चलेगा। और जब आप मनोबल तोड़ दोगे युवक का तो युवक क्या करेंगे, तो इसलिए महंगाई और बेरोजगारी की मेन मुद्दा हमारा है। क्या जनता क्या चाह रही है? बदलाव चाह रही है, परिवर्तन चाह रही है, जो कि कांग्रेस सरकार से उनका होप बहुत है। सही बात, जहाँ भी हम लोग की सरकार है वहाँ पे हमने काम किया, करेंगे भी, आएंगे सत्ता में तो देखिएगा आपके सामने परिवर्तन दिखेगा। गंगा पुत्र को इस बार नकार रही जनता? गंगा पुत्र वो नहीं, गंगा पुत्र असली अजय राय जी हैं, जो आपकी जमीनी हैं, गंगा माँ के जो नज़दीक हैं, इनको गंगा माँ ने वाकई में सींच के पाला हुआ है, वो जीतेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कभी गंगा माँ के पास गए हैं? कभी आपने गंगा माँ का आचमन करते हुए देखा है? तो कैसे कर सकते, गंगा माँ ने आपने गोद लिया है, गंगा माँ में गंदगी बह रही है, जानवर बह रहे, पशु मरे हुए, तो कैसे मान सकते गंगा माँ ने गोद लिया, माँ ही सुरक्षित नहीं तो कैसे बोल सकते हैं, इसलिए जीतेंगे तो अजय राय जी। ठीक है राजेश जी, इसका बहुत संक्षिप्त में आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के मेडिटेशन पर भी सवाल उठा रही है। अजय राय कह रहे हैं कि अगर मेडिटेशन करना था, ध्यान करना था तो गंगा के किनारे कर लेते। देखिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, प्रधानमंत्री में कोई कमी निकाल नहीं सकते, उनके काम में कोई कमी निकाल नहीं सकते, सरकार की किसी योजना में कमी निकाल नहीं सकते। अब प्रधानमंत्री मेडिटेशन कर रहे हैं, उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं किस पूजा पद्धति को मानता हूं, आप किस पूजा पद्धति को मानती हैं, आपका व्यक्तिगत विषय है। मेडिटेशन भी कांग्रेस से पूछ के करेंगे क्या, आप बताइए। अरे प्रधानमंत्री हिंदू है और गर्व से कहते हैं कि मैं हिंदू, और मंदिरों में जाते हैं सीना ठोक करके। अब कांग्रेस की तरह तो है नहीं, कांग्रेस घोषणा पत्र में कह रही है कि हम अल्पसंख्यकों को खाने की आजादी देंगे। पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल प्रभात त्रिपाठी जी मैं आप ही के पास में आऊंगी। अगर पूर्वांचल की बात कर ली जाए, 13 सीटें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, 2019 में भी एनडीए ने जरूर जीत दर्ज की, लेकिन बीजेपी के लिए राह आसान नहीं रही, क्योंकि कई सीटें ऐसी थी जहां पर जीत का मार्जिन बहुत कम था। इस बार आपका आकलन क्या कहता है? नहीं देखिए, निश्चित तौर पे ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है पूर्वांचल के लिए, क्योंकि पूर्वांचल से दो एक ऐसी शख्सियत, इसमें एक योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, और योगी आदित्यनाथ की भी प्रतिष्ठा पूरी दांव में लगी हुई है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश जैसे विशाल सूबे के एक बड़े मुख्यमंत्री के रूप में और एक बुलडोजर बाबा के रूप में और कानून व्यवस्था के रूप में वो काफ़ी चर्चित रहे हैं, और काफ़ी उन्होंने मेहनत भी की है, काफ़ी रैलियाँ की हैं। लेकिन जो पूर्वांचल का जो समीकरण है, क्योंकि पिछले बार 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के, अपने सहयोगी यहाँ जो सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है वो सहयोगी दलों की है, जैसे सोनेलाल पटेल अपना दल, निषाद पार्टी, तो ये जो लोग जो छोटी छोटी पार्टियां हैं इनके साथ प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी के साथ ये लगी हुई है कि क्या 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी रिटेन करने जा रही है। जो 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जब समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस था तब उन्होंने जीती थी, क्या उन 2 सीटों पे क्या स्थिति इस बार है? सर गठबंधन भी बदल गया है। हाँ, तो गठबंधन इस बार बदल... उसका असर कितना होगा ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। मैं सर लौटूंगी आपके पास में, बलिया से राजीव हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजीव, तस्वीरें आप दिखाइए, बलिया वासियों में कितना ज्यादा उत्साह है, आखिरी चरण का मतदान है, क्या बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर? इस वक्त सुबह से ही बलिया में लगातार जो लोग हैं वो कतारबद्ध होकर मतदान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त लगातार सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। मंत्री जी, कितनी बड़ी चुनौती लग रही है बीजेपी? हेलो, कितनी बड़ी चुनौती लग रही है? देखिए बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है, बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है, और इस नाते मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर 2014 का आंकड़ा लीजिए, 2019 का आंकड़ा लीजिए और 2024 क्रमशः प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी, तो जो माननीय मोदी जी ने पिछले 10 सालों के अंदर पूरे देश के अंदर काम किया है, जो माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 7 सालों के अंदर काम किया है, तो आज उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान की जनता सुशासन के नाम पर वोट कर रही है, कानून व्यवस्था के नाम पे वोट कर रही है। आज हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों का मान सम्मान और स्वाभिमान जो दुनिया के मानचित्र पे बढ़ा है उसके नाम पे वोट कर रही है। इसलिए चाहे बलिया हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई कोना,
अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार, तो अब की बार 400 पार की दिशा में पूरे हिंदुस्तान के साथ 2019 से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ, क्योंकि बहुत ऐसे ऐतिहासिक काम हुए हैं, तीन तलाक का वो हुआ है, 35 से और धारा 370 जैसा काला कानून समाप्त हुआ। लेकिन लेकिन विपक्ष जो जातीय समीकरण के आधार पर ये कह रहा है कि इस बार बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा, विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ है नहीं, विपक्ष के पास। और चलिए गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां पर रामगोपाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, सबसे ज्यादा वोटर्स गोरखपुर की सीट पर ही हैं, अब ऐसे में लोग घर से बाहर भी निकल रहे हैं उतनी बड़ी संख्या में? बिल्कुल, गोरखपुर में इस बार का जो इस चरण का जो चुनाव हो रहा है, सबसे अधिक 20,97,000 के करीब मतदाता हैं, और सुबह के वक्त 7 बजे से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहला मतदान किया है, और उसके बाद से जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां भी लगातार लोग आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और जा रहे हैं। हालांकि लंबी लाइनें इस कारण नहीं देखने को मिल रही है कि यहां पे करीब 10 बूथ बनाए गए हैं। सर, मतदान कर लिया है, तो क्या मुद्दे रहे इस बार मतदान करने का? ये कानून व्यवस्था और ये मतलब इनका काम अच्छा लगता है, राज्य सरकार और भारत सरकार का काम। मतदान कर दिया मैम? जी कर दिया। तो क्या रहा, क्या सोच के वोट किया? वोट सोच के ही दी कि आज के समय में योगी मोदी ऐसा ईमानदार और अच्छा काम करने वाला आगे कोई दिखाई नहीं दे रहा अगल बगल भी, और कम से कम मोदी 7 पुस्तक के लिए जमा करके नहीं जाएंगे, जो जाएंगे जनता के लिए छोड़ के जाएंगे, जनता के लिए छोड़ के जाएंगे। तो इस तरीके के आप भी दादा मतदान कर दिए हैं? कर दिए। तो क्या रहा दिमाग में मतदान करते वक्त? विकास का मुद्दा, गरीबों की भलाई का, और यही सब मुद्दे हैं। विकास का मुद्दा रहा, तो ये मतदाता हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन अगर हम प्रशासन की तैयारियों को दिखाएं एक बार, तो आप देखिए कि जो बूथ हैं धूप से बचाने के लिए, यहाँ पूरा इंतजाम किया गया है, पानी की व्यवस्था है, साथ ही टेंट की व्यवस्था की गई है। इवन जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आने के लिए 4-व्हीलर की भी सुविधा दी गई है कि अगर वो अपने गाड़ियों से आ रहे हैं तो वो सीधे बूथ के जहाँ पे वोटिंग की प्रक्रिया वोटिंग शुरू होगी वहाँ तक वो सीधे जा सकते हैं, इसका भी इंतजाम यहाँ पे किया गया है। यानी कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन द्वारा जो भी तैयारियां की जा सकती थी, जितने भी इंतजाम किए जा सकते थे वो किए हैं। अब बारी